आपको बता दें हम कि बक्सर के चौसा से हम आए हैं यहाँ पर रानी घाट, जो कि रानी घाट पर यहाँ महाजाल लगा हुआ है। सुबह में 2 लाशें मिली थी महाजाल में, जबकि महाजाल यहाँ पर लगाया गया इसलिए कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर लाशें फेंकी जा रही हैं, लोग फेंक रहे हैं यहाँ पर, और वही लाश आकर लग जा रही है, उसी को देखते हुए 71 लाश को डिस्पोजल किया गया था। जबकि बक्सर DM कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की लाश है, उत्तर प्रदेश के DM कह रहे हैं कि ये हमारी नहीं है, दोनों मिलकर लाशों को डिस्पोजल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महाजाल लगाकर उसको इसलिए लगाया गया है कि जो भी लाश आए तो उसमें फंसी रहे, इससे पता चले कि ये लाश कहाँ की है। हम अभी रानी घाट पर हैं, यहाँ का आप देख सकते हैं कि थोड़े दूर पे UP पड़ता है, यहाँ पर बॉर्डर है। हाँ, कुछ शव बहकर आए हैं की तरफ से और हम लोग इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर चुके हैं और मैं खुद भी पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, लिखा भी होगा और उन सब का फिर से हम लोग वही ज़्यादा शव नहीं है। लाशें आ रही हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब हर तरफ तो निगरानी चल रही है, लेकिन जो पानी की का बहाव है जिधर से देखा गया लग रहा है कि नावें लाशें बह के तो आ रही हैं। महाजाल भी लगा है, यहाँ महाजाल भी लगा है, यहाँ दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी भी प्रतियुक्त हैं। यहाँ भी कल भी 2 लाश मिली थी और 3 लाश आज भी मिली, तो लोग उसका भी डिस्पोजल कराएंगे। और मैं अपील करता हूँ और लोगों से भी कि लोग अगर उत्तर प्रदेश के भी हैं या कहीं के भी या हमारे यहाँ के भी हैं तो कोई भी होगा जो लाश कर दीजिए और लाशों का डिस्पोजल अच्छे से, जिस तरह से सम्मानजनक तरीके से हम अपने परिजनों को, परिवारजनों को अपने घर में रखते हैं, उसी तरह से अगर वो मृत हो गए हैं तो उनका अंतिम संस्कार भी करें। एक बात और है सर कि ये एक वीडियो वायरल हो रहा है एक नाविक का, वो क्या डिस्पोजल कराया होगा? वही वीडियो होगा, पहले तो नहीं देखा है उस वीडियो को, जिला प्रशासन द्वारा ही होगा, जिला प्रशासन ने जारी किया होगा, कहीं इन्वेस्टिगेशन के ही दौरान वो पता चला होगा। तो ऐसा भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों को अपना दायित्व भी निर्वहन करना है और समाज को भी अपना दायित्व निर्वहन करना है। अल्टीमेटली वो हमारे ही लोग हैं और उनका सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए। नावी के द्वारा कहा जा रहा है कि बारे थाना के द्वारा ये किया गया है, तो क्या वहाँ सूचना दी गई है सर? वहाँ तो हम लोग वहाँ बारे थाना के साथ भी गए थे हम लोग और वहाँ और पदाधिकारी भी थे, सबके साथ गए थे, उनको भी दिखाया गया था कि इस तरह की लाशें आई हुई हैं, तो इसका भी डिस्पोजल कराया जाए। उन लोगों ने भी कमिटमेंट किया था कि डिस्पोजल कराएंगे और होपफुली वो डिस्पोजल करा भी रहे। सर, व्यवस्था क्या किया गया है वहाँ पर? अभी महादेवा घाट पर बहुत सारे शव मिले थे जिसमें 71 शव को डिस्पोजल किया गया जमीन के अंदर, अभी भी आज 6 शव मिले हैं। SDM यहाँ पर खुद आए थे मॉनिटरिंग करने के लिए, वो मॉनिटरिंग कर पेट्रोलिंग करके पूरे घाटों को देखते रहे थे कि कहाँ कहाँ शव है, जबकि यहाँ पर UP बॉर्डर के पास में हम लोग हैं, यहाँ से कुछ दूर पे UP बॉर्डर पड़ता है गहमर बारे, वहाँ से भी लाश फेंकी जाती है, जो कि वहाँ पर शव प्रवाह करने का रीति रिवाज भी शायद है अभी भी, लेकिन कोरोना काल में लोग पास पैसे के अभाव में लाकर यहाँ पर फेंक देते हैं, जलाते नहीं हैं। आज 2 दिन से यहाँ पर चौसा के महादेवा घाट पर लकड़ी और व्यवस्था किया गया है और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है, कुछ व्यवस्थाएं और भी किया जाएगा, जैसे कि आपको दिखा दें यहाँ पर कि महाजाल लगाया गया है मेरे पीछे और UP बॉर्डर खुद थोड़े ही दूर में है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ बिहार से भी लाश आती हैं, कुछ UP से भी लाश आते हैं, बिहार में जैसे कि चौसा, राजपुर, आपका सासाराम, कैमूर, भभुआ, यहाँ से भी लाशें आती हैं। अब देखना यह बात है कि कोरोना काल में क्या यह संक्रमित लाशें ऐसे सड़ेंगी गलेंगी लाशें तो लोगों को संक्रमण बढ़ने का खतरा रहेगा। मैं राजेश कुमार, सिटी न्यूज, बक्सर। घाट है चौथा का घाट, वो बहुत छोटा घाट था
लेकिन अब चूंकि इधर ज़्यादा लोगों का सौदा वहाँ होने लगा है, तो उसको प्रॉपर्ली हम लोग घाट की तरह ही अब डेवलप कर दिया है और वहाँ लकड़ी की व्यवस्था हो गई है, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है और जो अन्य सुविधाएँ हैं जैसे